मैं हितेश सैनी, लेक्चर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज आपके सामने अप्लाइड फिजिक्स की चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण व उपग्रह के, इस चैप्टर में केपलर के ग्रह गति के बारे में अपन स्टडी करेंगे। केपलर की ग्रह गति के बारे में, केपलर ने ग्रहों की गति के बारे में 3 नियम दिए थे। पहला नियम उसने कहा कि लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षा का नियम। दूसरा उसने कहा क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा उसने कहा टाइम, आवर्तकाल का नियम, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। 3 नियम उसने ग्रहों की गति के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। तो इन तीनों नियमों में उसने अलग अलग अपना कंसेप्ट बताया है उसके अकॉर्डिंग। तो पहला नियम है कक्षा का नियम। तो ग्रह किस गति में, किस प्रकार के पाथ के अंदर वो अपने मोशन करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य दीर्घवर्ती कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है। क्या कहा, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। तो यहाँ पे ये इलिप्स का आपके पास एक डायग्राम मैंने बनाया कि इस पाथ के अंदर आपके प्लेनेट मोशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस इलिप्स। इसके अंदर 2 फोकस पॉइंट होते हैं, एक फोकस ये, दूसरा फोकस सन यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। मैंने यहाँ पे इसको दिखा दिया कि इस फोकस पॉइंट पे सन स्थित है। तो इसके अराउंडिंग जो प्लेनेट होते हैं वो मोशन करते हैं इस इलिप्टिकल पाथ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 2 बात होते हैं कि जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और सन जो होता है वो फोकस मिनटी पर होता है। और पहला जो नियम कहलाता है वो लॉ ऑफ ऑर्बिट का नियम कहलाता है। तो 3 आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पॉइंट के ऊपर बन सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा मैं डिस्कशन कर लेता हूँ कि ये आपका जो इलिप्स होता है, इसका ये वाला पॉइंट आपका सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, ये आपका सेमी माइनर एक्सिस कहलाता है, ठीक है। इसको ए से नोट करते हैं, इसको बी से नोट करते हैं। अब दूसरा नियम इसका होता है क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरिया। तो लॉ ऑफ एरिया को समझने से पहले कुछ डिस्कशन अपन कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 बातें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं कि इस जब ग्रह इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है उस समय इसकी स्पीड प्रत्येक जगह पर नियत नहीं रहती, कॉन्स्टेंट नहीं रहती, वो मान चेंज होता जाता है। जैसे समझ लेते हैं, मतलब क्या कहा, स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लेनेट मान लो कि इधर से चल के इस साइड में आ रहा है, मतलब जैसे जैसे इस साइड से चल के यहाँ पे आ रहा है तो सन के नज़दीक आ रहा है, तो जैसे जैसे सन के नज़दीक आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, फास्ट स्पीड होती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे सन से दूर जाती जाएगी स्पीड कम होती जाएगी। कारण ये कि इसके कारण इसका जो अट्रैक्शन जो फोर्स होगा वो बढ़ता जाता है और ये अपनी तरफ इसको खींचता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाएगा ये सन से, प्लेनेट दूर जाएगा, वैसे वैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो क्या कहता है, इसमें एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यहाँ पे जो क्षेत्रफल का नियम है, लॉ ऑफ एरिया, इसमें पहले अपन स्टेटमेंट की डिस्कशन करते हैं। स्टेटमेंट आपका ये होगा, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से गति करता है कि ग्रह व सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल प्रसूत करती है। मतलब समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल प्रसूत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको दूसरा डायग्राम दिखाऊंगा, उससे पहले मैं मान लेता हूँ कि ये आपका यहाँ पे ग्रह है, स्थित है, और यहाँ से यहाँ तक ग्रह पहुँचने में डीटी टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है, डीटी टाइम लेता है, या 1 सेकंड टाइम लेता है। कितना, 1 सेकंड टाइम लेता है यहाँ से ग्रह यहाँ जाने में, ठीक है। तो ये इस यहाँ सेंटर पॉइंट से नहीं, सॉरी, यहाँ सन से बात करेंगे इसको, सन से जो ये वाला एरिया 1 सेकंड में ये कवर करता है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर इतना चल के यहाँ से ग्रह चल के यहाँ तक पहुँच जाता है, और एरिया चलता है वो डी ए, हाँ ठीक है, 1 सेकंड में डी एरिया चला उसने, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो कि ग्रह वो आपका यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, तो उतने ही समय आपने 1 सेकंड लिया या डी समय लिया, उतने ही समय में ये ग्रह यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो सन के करस्पॉन्डिंग अगर इसको बात करें तो इतना एरिया वो कवर करता है। तो क्षेत्रफल का नियम क्या कहता है कि समान समय में समान क्षेत्रफल प्रसूत करता है। तो समान समय डेल्टा 1 सेकंड लें या डेल्टा टी समय लें, उसी समय में तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पे दूरी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो कम समय में वो ज़्यादा दूरी तय करता है, ठीक है। और यहाँ पे कम समय में दूर होने के कारण वो स्लो चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करें, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू द प्लेनेट एंड द सन शिप्स आउट इक्वल एरिया ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या कहा,
कि जैसे फॉर एग्जांपल यही वापस मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा, इसके एल से एम तक गया, डेल्टा टी टाइम है, डी एरिया कवर किया और यहाँ से उतने ही समय में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और जो एरिया इसने यहाँ कवर किया वो एरिया बराबर होंगे, तो एरिया डेल्टा पी क्यू एस बराबर एरिया डेल्टा एल एम एस बराबर होंगे फॉर द इक्वल टाइम इंटरवल, किसके लिए, एक इक्वल टाइम इंटरवल के लिए। और अपन क्या कह सकते हैं, डी अपॉन डी टी बराबर कॉन्स्टेंट हो गया, कहने का मतलब एरियल वेलोसिटी इसकी क्या होती है, कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है। तो दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केप्लर्स लॉ। नाउ डिस्कशन अबाउट द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहते हैं, आवर्तकाल का नियम बताता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड का डिस्कशन करता है। तो ये क्या होता है, अब आपको पता है कि सूर्य के चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो उसका एक चक्कर पूर्ण करने में लगा जो समय होता है उसको अपन परिभ्रमण काल, आवर्तकाल भी कह सकते हैं, है ना। तो जो परिभ्रमण काल होता है एक चक्कर पूर्ण लगाने में, जो टी है उसका स्क्वायर इस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाले जो दूरी होगी उस दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो यहाँ देख लेते हैं स्टेटमेंट, किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण काल टी, टी का वर्ग कक्षा की दीर्घ अक्ष अर्ध दीर्घ अक्ष ए के तृतीय घात, ए कौन सी, ये के समानुपाती होता है। द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ए। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे तो के आ गया नेतांग, ए क्यूब आ गया के वाला, टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब हो गया, ठीक है। तो ये आपका के, आपके जो आपका केपलर कांस्टेंट कहलाता है, ए आपका सेमी मेजर एक्सिस कहलाता है, टी आपका टाइम पीरियड कहलाता है। अब अगर मान लो कि मैं इसको इलिप्टिकल पाथ न कंसिडर करके मैं कह दूं कि सन की सूर्य से जो दूरी है वो आर है, या एक ग्रह की दूरी आर वन है, ये यहाँ दिखा है मैंने, जैसे एक ग्रह की दूरी आपकी आर वन होगी, दूसरे ग्रह से इसकी दूरी आर टू होगी, तो यहाँ से इन दोनों ग्रह की तुलना करनी होती है, तो अपन इस सूत्र से इसको आर क्यूब भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लेकिन ये इसको वर्ताकार नहीं मान सकते अपन, ये आर जो है ये यहाँ पे सर्कुलर या वर्ताकार के लिए ये आपका इलिप्टिकल केस है, दैट इज द राइट केस, ठीक है। लेकिन अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये लेंगे, तो यहाँ से टी वन पहले ग्रह के लिए टाइम बता देते हैं, टी टू दूसरे ग्रह, टी वन अपॉन टी टू का होल स्क्वायर बराबर आर वन अपॉन आर टू इक्वल थ्री, या ए वन अपॉन ए टू इक्वल थ्री, इससे अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।